नमस्कार, प्रस्तुत है क्लास 8 स्पेशल एग्जाम 2023 के गणित के प्रश्न पत्र का पार्ट वन वीडियो। क्लास 8 एनुअल एग्जाम 2023 में जो विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए अथवा किसी कारण से परीक्षा में नहीं बैठ सके, उनके लिए स्पेशल एग्जाम का आयोजन किया गया था। उसी के प्रश्न पत्र का यह हल वीडियो पार्ट वन वीडियो है। तो आइए चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 1, 5x+10y का गुणनखंड होगा, तो आइए इसे गुणनखंड करते हैं। इसका टू 5x को लिखेंगे 5 x + 10 को लिखेंगे 2 x 5 x y इसका टू। आप देखेंगे कि ये दोनों पार्ट, एक पार्ट ये है एक पार्ट ये है, तो इसमें कॉमन क्या है? तो स्पष्ट दिख रहा है कि 5 कॉमन है, यानी दोनों में है, तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर फिर बच जाएगा x+2y, यही गुणनखंड हुआ। यह हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रश्न संख्या 2, a² + 2ab + b² का गुणनखंड होगा, तो ये एक सर्व समीका है और इसका टू ये होता है a + b² अर्थात a + b × a + b, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रश्न संख्या 3, 2x 3x² 4x³ का सार गुणनखंड है, तो सभी सबसे पहले हम लोग इन तीनों का गुणनखंड करते हैं। तो 2x को हम लिख सकते हैं 2 × x, 3x² को हम लोग लिख सकते हैं 3 × x × x, और 4x³ को हम लोग लिख सकते हैं, या कहें कि इसका गुणनखंड कर सकते हैं 2 × 2 × x × x × x। तो आप देखिए यहां पर कि तीनों में क्या है कॉमन। ये x देख रहे हैं, यहां भी है, ये यहां भी है और ये यहां भी है, यही x तीनों में कॉमन है। तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 x। प्रश्न संख्या 4, ये बहुत ही आसान प्रश्न है। 39 − 9 / 3 का मान होगा, तो ये 39 से 9 घटाएंगे तो 30 आ गया, और भाग 3 अर्थात ये हो गया 10। ये ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 5, m² को m + n से गुना करने पर प्राप्त होगा, तो आइए गुना करते हैं। m² × m + n इसका टू, m² को m से करेंगे तो m³ + अब m² को n से करेंगे तो m²n। ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। प्रश्न संख्या 6, 3x = 18 में x का मान होगा, बहुत सिंपल सा समीकरण है ये, तो आइए इसे हल करते हैं। या ये 3x में x को हम बाई ओर रख लेते हैं और ये जो 3 है बाई ओर इसको दाहिनी ओर लाएंगे तो ये बटा में आ जाएगा, यानी भाग में आ जाएगा, तो 18 में 3 से भाग देंगे तो 6, तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रश्न संख्या 7, यह भी एक समीकरण है, 2x - 1/3 = 3, तो
तो आइए इसे हल करते हैं। यहां पर 2x माइनस 1 बाई 3 इक्वल टू 3, या ये 2x इधर ही छोड़ दे रहे हैं, अब ये जो माइनस 1 बाई 3 है इसको इधर ला रहे हैं तो ये प्लस में आ जाएगा, तो 1 बाई 3। अब इसको ये भिन्न का जोड़ हो गया, इसका एलसीएम या लॉसा 3 हो गया, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 1 प्लस 1, तो ये 10 बटा 3। तो ये 2x इक्वल टू 10 बटा 3 आया है, तो x बराबर 10 बटा 3, और ये जो गुना में 2 था इधर भाग में आ जाएगा इधर। तो आप देखें तो ये 2 से 10 को काटेंगे तो 5 बार में जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5/3, ये ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 8, संख्या x और 5 का योग 12 है तो समीकरण होगा। ये समीकरण बनाने पर ये प्रश्न है, तो हम लोग जानते हैं कि समीकरण बनाने के लिए हमें कुछ करना नहीं होता है, जैसे जैसे यह कहा गया है बस वैसे लिखते जाते हैं। तो यहां क्या कह रहा है, संख्या x और 5 का योग, तो x और 5 का योग कर देते हैं, x प्लस 5 क्या हो जाता है, ये 12 इक्वल टू 12, तो ये कौन सा हमारा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। अब प्रश्न संख्या 9, श्याम की आयु x वर्ष है, 5 वर्ष बाद उसकी उम्र 20 वर्ष हो जाएगी, इसके लिए समीकरण है। तो ये भी बड़ा आसान है, देखिए ये x उसकी आयु है, 5 वर्ष बाद, यानी इसमें 5 जोड़ दे रहे हैं, कितनी हो जा रही है, 20 हो जा रही है। चलिए तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रश्न संख्या 10, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है तो पूर्णांक होंगे। वैसे तो ये प्रश्न समीकरण से है, तो अगर इसे हल करने के लिए कहा जाए तो फिर एक लंबा प्रोसेस होगा। पहला पूर्णांक हम x लेंगे, दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 लेंगे, तीसरा पूर्णांक x प्लस 2 लेंगे, है ना, इस तरह से, और फिर तीनों को जोड़कर 51 लिखेंगे और फिर x का मान निकालेंगे, तो इस तरह से पूर्णांक हमें फिर प्राप्त होंगे। लेकिन चूंकि यहां ऑप्शन दिया हुआ है तो हम उतनी क्रिया नहीं करेंगे, उतनी प्रक्रिया नहीं करेंगे, अब सीधे हम इन संख्याओं को जोड़कर देख लेते हैं कि किनका योग 51 है। तो यहां देखते हैं 6 और 7 13, 13 और 8 इस जोड़ देते हैं ऐसे, 16 प्लस 17 प्लस 18, तो 8 7 15 6 21 का 1, हाथ में रहा 2, 1 3, 1 4, 1 5, ये 51 तो आ गया। अब इसको भी जोड़ के देख लीजिए, 15 प्लस 16 प्लस 17, तो ये 7 और 6 13, 5 18 का 8, हाथ में रहा 1, 1 1 2, 1 3, 1 4। तो देखिए यहां हमने जोड़ा तो 51 आ गया, तो ये हमारा आंसर है। आप इसे भी तीसरा नंबर को भी जोड़कर देख लीजिए और चेक कर लीजिए। तो ये थे क्लास 8 स्पेशल एग्जाम 2023 के हल प्रश्न पत्र का पार्ट 1 वीडियो, और एक बार मैं फिर से बता दूं कि क्लास 8 बोर्ड के जो प्रश्न अभी तक मैंने देखे हैं तो बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं, इसलिए आप इन सभी प्रश्नों को फिर से रिवाइज कर लेंगे। जल्द ही पार्ट 2 वीडियो इसका मैं प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद।